श्री बोस में आपके साथ मैं हूं अनामिका। बिहार की सत्ता की बात करते हैं तो पिछले 15 साल से काबिज जदयू के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का जो दूसरा चरण है यानी कि 3 नवंबर को जो चुनाव होने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और अहम है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान का ये चरण जदयू के लिए एनडीए गठबंधन के तहत सबसे अधिक उम्मीदवार उतारने और अच्छी खासी संख्या में अपने पास की सिटिंग सीट बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दल के जो आला नेता भी हैं वो भी इस बात को स्वीकारते हैं, मानते हैं। प्रदेश जदयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पहले चरण में बिहार के मतदाताओं के रुख से हम काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित है। दूसरा चरण हमारे लिए स्वाभाविक रूप से मजबूती लेकर के आएगा। राष्ट्रीय सचिव रविंद्र सिंह ने कहा कि जदयू को दूसरे चरण से उम्मीद अधिक है। पहले चरण में जदयू के 35 प्रत्याशी मैदान में थे, वहीं दूसरे चरण में दल ने सबसे अधिक 43 यानी कि 43 उम्मीदवार उतारे हैं। 2015 के चुनाव में जदयू राजद के साथ महागठबंधन में था और उसने वैसी 30 सीटों पर जीत पाई थी जिन पर दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब जदयू के लिए इन सिटिंग सीटों को बचाना और शेष सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है, चैलेंज है। इस दल की सिटिंग सीटों में शिवहर, बेलसंड, फुलपरास, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर, हायाघाट, कुचायकोट, हथुआ, जीरादेई, बरहरिया, महाराजगंज, एकमा, वैशाली, मैनार, विभूतिपुर, हसनपुर और आपको बता दें कि चेरियार, बरियारपुर, तेगड़ा, मटिहानी, इसके साथ ही साथ नाथनगर, अस्थावा, राजगीर, इस्लामपुर, नालंदा, हरनौत और फुलवारी शरीफ शामिल है। अब दूसरे चरण में जदयू के 2 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। नालंदा सीट से श्रवण कुमार जबकि हथुआ से राम सेवक सिंह जो हैं वो मैदान में है और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के पुत्र फराज फातमी, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र कौशल किशोर भी जो हैं वो मैदान में है। अब जदयू ने दूसरे चरण की अपनी 43 सीटों में से 19 पर नए प्रत्याशी उतार करके एक बड़ा दांव खेला है। अब इनमें से केसरिया से पूर्व सांसद कमला मिश्र, मधुकर की पुत्री शालिनी मिश्रा, रून्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा, फुलपरास से शीला मंडल, बेनीपुर से अजय चौधरी, मीनापुर से मनोज कुमार, कांटी से मोहम्मद जमाल, भोरे से सुनील कुमार, जीरादेई से कमला कुशवाहा, रघुनाथपुर से राजेश्वर चौहान, एकमा से धूमल सिंह की पत्नी सीता देवी, तो वहीं मांझी से माधवी सिंह, बढ़ौरा से अफताफ राजू, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजापाकर से महेंद्र राम, साहेबपुर कमाल से शशिकांत कुमार, अलौली से साधना सदा, परबत्ता से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, राजगीर से कौशल किशोर और हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस बार क्या है कि इतने तो नए प्रत्याशियों को उतार करके जदयू ने एक बहुत बड़ा दांव खेला, साथ ही साथ कई बागी भी मैदान में हैं। दूसरे चरण में जदयू के बागी की बात करें जो मैदान में उतरे हुए हैं तो इनमें बैकनपुर से पूर्व विधायक मंजीत सिंह और तरैया से शैलेंद्र प्रताप प्रमुख है। ये दोनों ही सीटें जो है वो भाजपा के कोटे में है, जिससे कि क्या है कि दोनों नेता को उम्मीद भी काफी है और अब देखने वाली बात यह होगी कि किस सीट से कौन कितने वोट से जीत हासिल करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, नामिकों को